अकोला शहर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार रात एक व्यक्ति पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिसके आज सुबह इलाज के दौरान मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इस घटना से शहर में खौफ का वातावरण निर्माण हुआ है। मृतक युवक का नाम अफरोज खान मनवर खान उम्र 32 साल होने का सामने आया है। इस युवक पर एक अज्ञात युवा द्वारा शनिवार रात 10 बजे के करीब चाकू से जानलेवा हमला किया गया था और आरोपी वहां से घटनास्थल से फरार हो गया था। हमले में घायल अफरोज इन्हें स्थानीय नागरिकों की मदद से पुराने शहर पुलिस ने तत्काल अकोला जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। खून ज्यादा बहने के कारण उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी और उसे निजी अस्पताल में भेजा गया था, किंतु इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पुराना शहर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दाखिल किया था। आज सुबह युवक की मौत के बाद हत्या का अपराध दायर किया गया है। पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश करी है। पुलिस ने प्राथमिक जांच में अफरोज और आरोपी में कुछ विवाद होने की संभावना व्यक्त की है, किंतु इस विवाद से निश्चित कारण अब तक साफ नहीं हो पाया है। इस घटना से अकोला शहर में खौफ का वातावरण निर्माण हुआ है। नागरिकों ने पुलिस से जल्द गिरफ्तार करने की कार्रवाई की मांग की है। आपराधिक मामलों पर भी लगाम लगाने की पुलिस तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। नागरिकों की सुरक्षता के लिए पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाना और अपराध रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होने की चर्चा शहर में चल रही है। एनबीसी न्यूज के लिए अकोला से असगर खान की रिपोर्ट।